नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल टेक वॉइस पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़ोटोग्राफी में नॉइस किसे कहते हैं। आपने कई दफ़े सुना होगा या कई बार सुना होगा कि फ़ोटो में नॉइस बहुत ज़्यादा है, फ़ोटो में नॉइस बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं आपको इसी बात को क्लियर करूँगा कि फ़ोटो में नॉइस हम किस चीज़ को कहते हैं और वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई फ़ोटो खींचते हैं, स्पेशली जब हम लोग DSLR से फ़ोटो खींचते हैं, नॉर्मल लोगों को नॉइस के बारे में नहीं पता होता। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनको ही नॉइस के बारे में ज़्यादा पता होता है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नॉइस किससे कहते हैं और ये कैसे प्रोड्यूस होता है। दोस्तों, हमारे पास जो नॉर्मल प्रोफेशनल कैमरे होते हैं, DSLR प्रोफेशनल कैमरे होते हैं, उनमें ISO जो होता है वो 50 से स्टार्ट होता है, और जो सेमी DSLR कैमरे होते हैं उनमें ISO 100 से स्टार्ट होता है। तो ISO जो है ये नॉइस प्रोड्यूस करता है। ISO को हम जितना ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं, नॉइस उतना ही ज़्यादा फ़ोटो में अधिक प्रोड्यूस होता है। अब नॉइस किसे कहते हैं वो मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखाऊंगा दोस्तों। इससे पहले मैंने दो फ़ोटो लेके रखी हैं, वो फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले फ़ोटो में आप देखेंगे कि नॉइस जो है काफ़ी कम है, क्योंकि ये फ़ोटो में मैंने ISO को कम रखा है, बाकी एक्सपोज़र को जो है मैंने मेनटेन किया है। बिना ISO को बढ़ाए हुए तो यहाँ पर आपको नॉइस नहीं मिलेगा देखने को। जबकि दूसरे फ़ोटो में आप देखेंगे कि फ़ोटो दोनों क्लियर हैं। एक नज़र आप पहली बार में देखेंगे तो आपको दोनों फ़ोटो साफ दिखाई पड़ेंगी, लेकिन अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरा जो फ़ोटो है उसमें जो है ग्रेनुअल्स काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं। जो कलरफुल ग्रेनुअल्स हैं वो आपको काफ़ी सारे दिखाई पड़ेंगे, जूम करने पर आपको पता लग जाता है। तो ये जो ग्रेनुअल्स हैं इसको ही हम नॉइस कहते हैं। अब इस नॉइस को हमें कैसे कम करना है दोस्तों, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तीन ट्रिक दोस्तों यहाँ पर बताऊँगा मैं आपको कि नॉइस को कैसे कम कर सकते हैं। तो पहला जो ट्रिक है दोस्तों, जब हम लोग फ़ोटो लेते हैं तो जिस समय हम लोग एक्सपोजर ट्रायंगल को एडजस्ट करते हैं उसी समय हमें यहाँ पे इसको एडजस्ट करना होता है। तो इसमें मैं आपको पहली ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। अपने कैमरे में आप जैसे देखिएगा, मेरे पास निकॉन D5300 है और इसमें जो है ISO मिनिमम जो है वो 100 पे है। 100 से कम इसका ISO मैं लेके नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर मेरे को अगर मैं कम से कम ISO रखता हूँ तो 100। नॉर्मली दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ़ोटो खींच रहे हैं तो नॉर्मली ISO जो आप 100 से 400 तक रखेंगे तो नॉइस आपके फ़ोटो में नहीं आएगा, ना के बराबर आएगा। अगर आप 400 से ज़्यादा ISO रखेंगे तो आपके फ़ोटो में नॉइस जो है बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे ISO बढ़ाएंगे आपके फ़ोटो में नॉइस उतना ही ज़्यादा ऐड होता जाएगा, मतलब आपके फ़ोटो में उतने ही ज़्यादा ग्रेनुअल्स बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, फ़ोटोग्राफी में जब हम एक्सपोजर ट्रायंगल सेट करते हैं उसी समय में इसको सेट करना होता है दोस्तों। सबसे पहला इसमें आ जाता है शटर स्पीड। शटर स्पीड को अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो हमारे कैमरे में लाइट कम टाइम के लिए आएगी और कम लाइट आएगी। तो पहला चीज़ हमको शटर स्पीड मेंटेन करना होता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे है एपरेचर। एपरेचर को अगर हम एफ़ नंबर को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे अगर मैं एफ़ नंबर को आप देखिए जैसे जैसे अगर मैं बढ़ाता जाऊँगा तो मेरा एपरेचर जो है छोटा होता जाएगा। इसका साइज़ छोटा हो रहा है तो इसका मतलब है कि लाइट कैमरे में कम आती जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम ISO बढ़ा नहीं सकते। ISO बढ़ाएंगे तो हमारा नॉइस बढ़ता जाएगा। तो हमको यहाँ पे शटर स्पीड और ISO एपरेचर को यहाँ पे मेंटेन करना होगा ताकि हमारे यहाँ पे जो एक्सपोजर है वो हमारा बैलेंस बना रहे। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे अभी मैं ISO को जो है कम करता हूँ। यहाँ पे 2500 काफ़ी ज़्यादा करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको ISO को कर देता हूँ दोस्तों 200 पे लेके आता हूँ। ये 200 मेरा ISO इस समय है। और अब अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि इमेज काफ़ी डार्क दिख रहा है, यहाँ पे लो सेंसिटिविटी हो रहा है लाइट का। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, पहले तो ये है कि मैं अपना शटर स्पीड कम कर दूँ। शटर स्पीड कम करूँगा तो मेरे कैमरे में लाइट ज़्यादा देर के लिए आएगी, जो कि मेरे यहाँ पर अभी फ़िलहाल 100 है। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप स्लो शटर स्पीड कर रहे हैं तो आपका फ़ोटो ब्लर भी हो सकता है। इसके लिए आपको ट्राइपॉड यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इंडोर शूटिंग कर रहे हैं या अंधेरे में फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप ट्राइपॉड यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप शटर स्पीड को 100 से या 60 से कम लेके जाएंगे तो आपके फ़ोटो ब्लर होने के चांस हैं। इसके लिए आपको ट्राइपॉड यूज़ करना होगा। अगर आप फोटो ट्राइपॉड यूज़ नहीं करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी शटर स्पीड जो है मिनिमम 125 होनी चाहिए या 100 तो होनी ही होनी चाहिए, इससे कम आपकी शटर स्पीड नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आ जाते हैं एपरेचर पे। तो एपरेचर आप देखिए कि यहाँ पे एपरेचर आप देख रहे हैं मेरा 7.1 है। तो अब मैं एपरेचर अपना यहाँ से बढ़ा रहा हूँ। एपरेचर जैसे ही मैं बढ़ाता जाऊँगा, मतलब एफ़ नंबर मैं घटाऊँगा तो एपरेचर मेरा बढ़ेगा। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अभी देखेंगे कि इस कंडीशन में 200 ISO पे मेरा एपरेचर 3.8 है, इससे ज़्यादा एपरेचर मैं नहीं बढ़ा सकता।
तो अब मेरे पास चांस है शटर स्पीड बढ़ाने का, शटर स्पीड घटाने का, सॉरी शटर स्पीड मैं यहाँ पे कम करूँगा। तो अब मैं अपनी शटर स्पीड कम करूँगा, तो जैसे जैसे मैं अपनी शटर स्पीड कम करता जाऊँगा, मेरी जो है यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपोजर ट्रायंगल में जो मेरा डार्कनेस था वो कम हो गया है और यहाँ पे भी बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया। तो इस कंडीशन में मैं जो भी फ़ोटो लूँगा मेरी एकदम परफेक्ट फ़ोटो आएगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई नॉइस आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो एक तो ट्रिक ये हो गई दोस्तों। पहले में मैंने आपको बता दिया पहले ट्रिक में कि आपको शटर स्पीड और अपने अपर्चर को बैलेंस करना पड़ेगा, उसका शटर स्पीड अपर्चर और ISO का बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आपकी फ़ोटो जो है अच्छी आएगी। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर आप दूसरी ट्रिक में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप आउटडोर में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो आउटडोर में क्या होता है दोस्तों, लाइट हमको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, लाइट के काफ़ी सोर्स होते हैं, सूरज होता है, बाकी भी लाइट हमारी आती रहती है, तो हमको लाइट की वहाँ पर कमी नहीं होती है, वहाँ पर हमको ISO बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा नॉर्मल शटर स्पीड और इससे काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप लो लाइट में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, अंधेरे में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, इंडोर फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों लाइट का सोर्स कम होता है। ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर आप रूम में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो अपने हॉल या रूम की जो है सारी लाइटें आप ऑन कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको एक्सटर्नल लाइट सोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल लाइट सोर्स में क्या आता है, आप अपने कैमरे में एक एक्स्ट्रा फ्लैश यूज़ कर सकते हैं, रूम की लाइट ऑन कर सकते हैं, उससे जो है क्या आपका ISO आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका लाइट सोर्स मिल जाएगा आपको, तो आपकी फ़ोटो जो है अच्छी आ जाएगी। तीसरा दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीसरे में क्या कर सकते हैं आप, कैमरे में जो इनबिल्ट टीचर्स के एक फ़ीचर दिया हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेनू में आपको जाना पड़ेगा और मेनू में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा दोस्तों शूटिंग मेनू में। ये शूटिंग मेनू है हमारा और शूटिंग मेनू में जाने के बाद जो है आप यहाँ पर जाइएगा, नीचे आप जाएंगे जैसे ही तो आपको एक इसमें ऑप्शन दिखेगा दोस्तों लॉन्ग एक्सपोजर का। लॉन्ग एक्सपोजर NR दिखा हुआ है, ये आपको ऑफ लिख रहा है इसमें, और दूसरा ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों हाई ISO ISO NR का, ये आपको नॉर्मल में दिख रहा है। तो हाई ISO जो NR है इसको आप सेलेक्ट कीजिए, इसको आपको हाई पे कर लेना है यहाँ पे, और इसके ऊपर जो दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग एक्सपोजर NR ये ऑफ है, इसको यहाँ पर आपको ऑन कर देना है। अब दोस्तों इसके करने से क्या होगा कि आप जान के चलिए, अगर आपने ये सेटिंग यहाँ पर की है अपने कैमरे में, तो आपका जो है 50% नॉइस जो है ऐसे ही कम हो जाएगा इसी के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स थी जो मैंने आपको बताई कि आपको नॉइस रिड्यूस अपने फ़ोटो में कैसे करना है, और आप नॉइस रिड्यूस करके एक अच्छा फ़ोटोग्राफ आप कैसे ले सकते हैं जिसमें कोई भी नॉइस नहीं होगा, कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस फ़ोटो में नहीं होगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुँचते रहें। मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।